और इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। आगे जो जनरेटर वाली गाड़ी है राहुल जी के, थोड़ा सा आगे आगे चलते जाएं, धीरे 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 वो लोग चलते जाएं। माइक बंद करो। लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है कि उनकी बात सुनने के लिए कोई यहाँ पे आ रहा है। जम्मू कश्मीर में जिस ढंग से अनदेखी की गई है भाजपा की जन विरोधी नीतियों के माध्यम से, लोग परेशान, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है कि उनकी जमीनें ले लेंगे। रजौरी पुंछ के इलाके से भी यहाँ पे अब हो गया है। तो आज जिस ढंग से नफरत की दीवारें खड़ी करने की जो यहाँ पे कोशिशें भाजपा ने यहाँ पे की, वो दीवारें गिराने के लिए राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा की। महंगाई के माध्यम से जिस ढंग से आम आवाम का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया, उनकी आवाज को बुलंद करेंगे और जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा में वापस मिले, उसमें जम्मू कश्मीर के आवाम के सुर के साथ राहुल जी भी अपना सुर यहाँ मिलाएंगे ताकि जम्मू कश्मीर में दोबारा हमें रियासत का दर्जा मिल पाए, हम लोगों की समस्याओं को सुने और उस समाधान कर ले। फौरी तौर पे चुनाव की मांग की घोषणा भी राहुल जी के माध्यम से हम कर पाए। का टिप्पणी का जवाब दे रहा है, ये हम महसूस करते हैं कि उनमें फ्रस्ट्रेशन बहुत आ गई क्योंकि उनकी साख जो थी उनके नीचे पांव के नीचे जमीन खिसकती दिखाई दी है। हिमाचल से शुरुआत यहाँ पे हुई, अभी भारत जोड़ो यात्रा में तो राहुल गांधी जी ने यहाँ पे प्रवेश करना है तो कितने दल सारे माइनस बीजेपी सब लोग राहुल जी का समर्थन करने के लिए, शिवसेना संजय राव जी और साहब गुरुकुंडला साहब सब लोग उनकी यात्रा में शामिल यहाँ पे हो रहे हैं, भाईचारे का संकेत देने के लिए ये यात्रा यहाँ पे है।